भारत सरकार द्वारा आधार सेंटरों पर उमड़ रही भीड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता को आधार अपडेशन में आ रही समस्याओं के निवारण हेतु अब भारतीय डाक विभाग के माध्यम से ग्रामीण अंचल में निवास कर रही जनता हेतु घर बैठे आधार कार्ड में मोबाइल अपडेशन की सुविधा प्रारंभ की गई है। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शाखा डाकपाल अपने विभाग द्वारा प्रदत्त IPPV फोन के माध्यम से आधार कार्ड में आधार कार्ड धारक का मोबाइल नंबर अपडेट किया जाएगा, साथ ही ईमेल एड्रेस भी अपडेट करने की सुविधा आरंभ की गई है। इस हेतु अपडेशन के इच्छुक व्यक्ति को अपना मोबाइल आधार कार्ड लेकर स्वयं को संबंधित शाखा डाकपाल के पास आना होगा एवं शाखा डाकपाल द्वारा तुरंत मोबाइल नंबर अपडेट कर दिए जाएंगे। इस हेतु विभाग द्वारा 50 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। मोबाइल अपडेशन 72 घंटे की अवधि में हो जाएगा, जिसकी सूचना SMS के माध्यम से आधार धारक के पास पहुँच जाएगी। सहायक अधीक्षक डाकघर कैलाश चौधरी ने बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के उपरांत भी शहरी क्षेत्रों में आधार केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं हो पा रही है एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही जनता को शहरी क्षेत्र में आने जाने के लिए अनावश्यक व्यय करना पड़ रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा डाक विभाग के माध्यम से यह सुविधा प्रारंभ कर रही है, जिससे कि अधिक से अधिक ग्रामीण जनता घर बैठे आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करवा सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि पोस्ट ऑफिसेस के अंदर जो पूर्व में आधार अपडेशन और नए आधार बनाने का कार्य काफ़ी तेज गति से ब्यावर मंडल के अंदर चल रहा था, इसको देखते हुए काफ़ी जनता ने भी अच्छा रिस्पांस उनका मिल रहा था और इस कारणवश ग्रामीण क्षेत्रों से जो जनता आती थी उनकी काफ़ी भीड़ यहाँ पे आ जाती थी, जिससे कोरोना प्रोटोकॉल में उनके बीच में एक दूसरे के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। बाकी ग्रामीण जनता को दूर दूर से ब्यावर शहर में एवं ब्यावर मंडल में जो 12 आधार सेंटर कार्यरत हैं उनमें अलग अलग जगह पर जाकर अपडेशन कराना पड़ता था। उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए अब जो पहले ज़्यादातर जो आते थे वो अपडेशन के काम के लिए आते थे, जैसे पूर्व में जो आधार के अंदर क्या है कि जैसे मोबाइल नंबर किसी दूसरे का डाल देते थे तो आधार में मोबाइल अपडेशन का काम, ईमेल अपडेशन का काम, जिसके लिए काफ़ी लोग आते थे, इनको अब डिसेंट्रलाइज किया गया है। अब हमारे शाखा डाकघर जो गांव-गांव में मौजूद हैं उस जगह पे उनको मोबाइल नंबर अपडेशन का काम और ईमेल अपडेशन का काम भी उनको आवंटित कर दिया गया है। इसके लिए अब ग्रामीणों को कहीं दूर क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसके लिए वो अपने नज़दीकी शाखा डाकघर से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे 50 रुपये मात्र की रसीद कटवा कर संबंधित शाखा डाकपाल से अपने जो पुराने मोबाइल नंबर का जो अपडेशन करवाना है वो संबंधित शाखा डाकघर के अंदर ही कराया जा सकता है।